पर देखिए वाईफाई की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था, तो क्लास कंटिन्यू कीजिएगा। यहाँ पर देखिए हम देखे थे कल की क्लासेस में नदी अपवाद तंत्र से कुछ क्वेश्चन देखे थे जो आपके व्यापक और पीएससी में आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों वाईफाई की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था, उसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहूंगा। तो देखिए मैप के हिसाब से मैं आप सभी को कल की क्लास में पूरा डिटेल में आपको समझाया था, तो देख सकते हैं ये आपका सोन नदी अपवाह तंत्र है जो आपके गंगा नदी अपवाह तंत्र की प्रमुख सहायक नदी थी, ठीक है। तो हमने देखा था कल के क्लासेस में गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी के बारे में जो आपकी पांच तरह का बनाया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पहला आपका बनास नदी है, उसके बाद आपका गोपद नदी है, उसके बाद नेउम नदी है, उसके बाद रिहंद नदी आ जाएगा, उसके बाद कन्हर नदी, यानी कि पांच प्रकार के आपको सहायक नदी बताया था गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी, ठीक है। देख सकते हैं जो आपका सोन नदी अपवाह तंत्र है आपका उत्तर दिशा की ओर यानी कि उत्तर की ओर ढाल की ओर बहती हुई चली जा रही है, ये आपका सोन नदी अपवाह तंत्र हो गया। कल की क्लासेस हमने पूरा बिल्कुल डिटेल क्लास कराई थी, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाइएगा डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है, बिल्कुल फ्री क्लासेस करा रहे हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान में सीजीपीएससी प्री एग्जाम और व्यापम का। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार वीडियो को जल्दी से जाइएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है, साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और जो लोग व्यापम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा था जो रिहंद नदी जो आपका छोरीमती रिंगा की पहाड़ी से होते हुए यानी कि उत्तर दिशा से यानी कि गंगा नदी से ये आपका प्रवाहित होते हुए नीचे की ओर यानी कि सरगुजा की ओर सरगुजा जिले की ओर प्रवाहित होती आ रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रिहंद नदी है ये आपका चौथा नंबर का प्रमुख सहायक नदी है गंगा नदी की, ठीक है। जो आपका यहाँ से गंगा नदी से उत्तर की ओर से नीचे की तरफ छोरीमती रिंगा की पहाड़ी से होती हुए यहाँ पर गुजर रही है, यहाँ पर एक सूर्या नदी है, उसी प्रकार मोरनी नदी महा नदी है आपका प्रमुख सहायक नदियां है, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो है कोरिया जिला है सूरजपुर और बलरामपुर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये आपका पहाड़ी इलाका है जो आपकी सोन नदी यानी कि गंगा नदी से किनारे होते हुए प्रवाहित हो रही है, ठीक है। और किलोमीटर की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो कन्हर नदी का मैं आप सभी को बताया था तो जो कन्हर नदी है पांचवा, ठीक है, ये आपका 115 किलोमीटर की ओर बहती हुई है। और उद्गम की बात करें तो बखोना चोटी, ठीक है, क्या है आपका बखोना चोटी, ठीक है। और जो विसर्जन होता है आपका सोन नदी में विसर्जन होता है, स्थल के बारे में बात करें आपका पीएससी एग्जाम में पूछा गया है डीपरडीए कौन से जिला में स्थित है, तो आप बताइएगा डीपरडीए बलरामपुर में स्थित है, बिल्कुल पीएससी व्यापम में आया हुआ है। अब देख सकते हैं इसके बाद आपका चिनार नदी है, ये आपका जलप्रपात है, ठीक है। उसके बाद यह नदी सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा विशेष तौर पर, यह नदी छत्तीसगढ़ और झारखंड के मध्य सीमा रेखा बनाती है, ठीक है। जो छत्तीसगढ़ है आपका और जो झारखंड नदी से ये आपका सीमा रेखा बनाती है, कौन सी नदी, कन्हर नदी। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि यह छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच आपका सीमा रेखा बनाती है तो कौन सी नदी आएगी, कन्हर नदी। और ये जो कन्हर नदी है आपका सोन नदी यानी कि गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। अब बात करते हैं ब्राह्मणी नदी के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम ब्राह्मणी नदी के बारे में देखेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्या पता आपके व्यापक और पीएससी में ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसीलिए मैं आप सभी को मैप के हिसाब से पूरा डिटेल क्वेश्चन बता रहा हूँ, ऐसे ही आपके व्यापक पीएससी में पूछा जाता है। अब बात करते हैं ब्राह्मणी नदी के बारे में, तो ब्राह्मणी नदी में सिर्फ दो बातें याद रखना, पहला सहायक नदियां, ठीक है, जो इसकी प्रमुख सहायक नदी है शंख नदी और कोयल नदी, ये दो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आते हैं पीएससी और प्री एग्जाम में, ठीक है। और व्यापम के जैसे कि हौसल वारण हो गया, एसआई भर्ती हो गया, जो लोग तैयारी करना चाहते हैं तो जाइएगा जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर ब्राह्मणी नदी के बारे में, ठीक है। कल की वीडियो हमने देखा था महानदी अपवाह तंत्र के बारे में, ठीक है। अब एक पूरा क्लासेस करवाने वाला हूँ ब्राह्मणी नदी, ठीक है, जो ब्राह्मणी नदी है इसकी सहायक नदी के बारे में, सहायक नदी जो आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं सहायक नदी, इसके दो प्रकार के हैं, कौन कौन से, पहला है यहाँ पर देखिए शंख नदी, ठीक है, शंख नदी, और दूसरा है आपका कोयल नदी, कोयल नदी। ये दो बातें हैं जो बिल्कुल याद रख लीजिएगा, ब्राह्मणी नदी की प्रमुख दो सहायक नदी है, एक शंख नदी और दूसरा है आपका कोयल नदी। जो शंख नदी है, ठीक है, जो शंख नदी है आपका छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है, ठीक है। और जो कोयल नदी है आपका, इसको नोट कर लीजिएगा, झारखंड, झारखंड में प्रवाहित होती है, झारखंड में बहती है, और ये आपका छत्तीसगढ़ में आएगा शंख नदी, ठीक है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, ये कुल अपवाह तंत्र के बारे में बात करें, जो ब्राह्मण नदी है जो इसका अपवाह तंत्र है, ये आपको 1.03% छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है। कितने प्रतिशत? 1.03%। क्या पता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस प्रकार पूछ सकता है परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है। अगर ब्राह्मणी नदी में अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपके छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की क्लासेस में, जो आपके एग्जाम में आ सकता है, तो अगर परसेंट में पूछ लिया जाए कि ब्राह्मणी नदी का कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है, तो आप बताइएगा कि 1.003% छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके प्रमुख सहायक नदी के बारे में बात कर चुके हैं, या आप देख सकते हैं ये इतना ही इम्पोर्टेंट था, ठीक है। अब देखिए इसके जो किलोमीटर है, कितना प्रवाह होता है, ये जो प्रवाह होता है आपका 1423 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। कितने वर्ग किलोमीटर? 1423 वर्ग किलोमीटर में यह आपका ब्राह्मणी नदी छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। यह कुछ दो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ज्यादा इतना कोई महत्व नहीं है, यहाँ से आप एग्जाम में पूछ सकता है। इसके अब देखेंगे नर्मदा नदी, जो नर्मदा नदी है आपके पश्चिम दिशा की ओर बहती है, छत्तीसगढ़ की पश्चिम दिशा में बहने वाली नर्मदा नदी है, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देखेंगे। इसके बाद आपका नर्मदा नदी, ठीक है, चलिए यहाँ तक आप पहले नोट कर लीजिएगा, इसके बाद हम नर्मदा नदी से देखेंगे, वहां से आपके एक नए क्वेश्चन आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। चलिए अब बात करते हैं कि नर्मदा नदी के बारे में, ये आपका पांचवा अपवाह तंत्र है और सबसे छोटी नदी है, सबसे छोटा अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ का, सबसे छोटा अपवाह तंत्र है नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, जो आपके छत्तीसगढ़ में बहती है, छत्तीसगढ़ में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी, जो आपके एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तो आप सबसे पहले बताइएगा कि जो नर्मदा नदी है ये पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। आप मैप में देख सकते हैं कि बंजर नदी, ठीक है, और ये जो तारा नदी है, दो प्रकार की प्रमुख सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो ये राज्य का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है, जो कुल अपवाह तंत्र का 0.05% छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है। कितने प्रतिशत? 0.5% छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है। अब बात करें कि यहाँ पर देखिए इनके प्रमुख दो सहायक नदी है, पहला आपका बंजर नदी और दूसरा है आपका तार नदी, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है और इसकी दो प्रमुख सहायक नदी है, कौन कौन सी है? तो पहला आप बताइएगा बंजर नदी, कौन सा? बंजर नदी, ठीक है, और दूसरा आप बताइएगा तारा नदी, ठीक है, तारा नदी, इसको याद कर लीजिएगा, प्रमुख सहायक नदी, प्रमुख सहायक नदी, ठीक है। ये नर्मदा नदी के प्रमुख दो सहायक नदी है, बंजर नदी और तार नदी, इसमें और कुछ महत्व नहीं है, दो क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने देखा था कौन सी अपवाह तंत्र, तो ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र, तो ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र में दो प्रकार का मैं आपको बताया था सहायक नदी है, तो कौन सा आप देख लीजिएगा, ब्राह्मणी नदी का, ठीक है, ब्राह्मणी नदी का दो प्रकार का सहायक नदी बताया था, पहला है शंख नदी, ठीक है, शंख नदी, और दूसरा है आपका कोयल नदी, ठीक है, ये आपका कोयल नदी है जो झारखंड से बहती है, झारखंड में प्रवाहित होती है, ठीक है। अब ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है शंख नदी, ये आपका ब्राह्मणी नदी का, ये दो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछ सकता है व्यापम पीएससी में, साथ ही नर्मदा नदी जो आपके व्यापम पीएससी में आया हुआ प्रश्न है, इसमें के एक क्वेश्चन आया हुआ था बंजर नदी है किसकी सहायक नदी है, तो बंजर नदी आपका नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियां है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए जो बंजर नदी है आपके एग्जाम में आया हुआ है, ये आपको बंजर नदी है जो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, एग्जाम में पूछ लिया गया था पीएससी व्यापम के एग्जाम में 2018 में आया हुआ था कि बंजर नदी
किसकी प्रमुख सहायक नदी है? नर्मदा नदी की। और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है आपका बंजर नदी। अब बात कर जो तारा नदी है, जो तारा नदी है आपका, यह जो बांध है आपको कवर्धा जिले से, जो कवर्धा जिले से प्रवाहित होती हुई चली जाती है, ठीक है। यहाँ पर एक नक्शा है, ये मैप के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, जो कवर्धा जिला है वो आपका तारा नदी से किनारे होते हुए प्रवाहित होती है। ये दोनों नदियाँ बंजर नदी और तारा नदी कवर्धा से एक किनारे से प्रवाहित होती है, निकलती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पहाड़ है, यहाँ पर एक नदी जा रही है, यहाँ पर भी एक पहाड़ है, ठीक है। तारा नदी के पास एक पहाड़ है, ठीक है, यहाँ पर एक पहाड़ है, इसको नोट कर लीजिएगा। यह आपका यही प्रवाहित होती हुई चली जाती है तारा नदी, ठीक है, तारा नदी, ठीक है। आज के लिए इतना, ठीक है, हमने पूरा क्लासेस करवा चुका हूँ नदी अपतंत्र से। ये एग्जाम में 2 से 3 नंबर आपके व्यापक में क्वेश्चन में पूछ सकता है, पीएससी के एग्जाम में अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैं आप सभी को पूरा डिटेल में क्लास कराया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया नदी अपतंत्र के 3 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। पार्ट 1 नदी अपतंत्र का पहला मैं बताया था, महानदी अपतंत्र, उसके बाद गोदावरी नदी अपतंत्र, ठीक है। और कल के क्लासेस में हमने देखा था ब्राह्मणी नदी, है ना, तो उसका मैं डिटेल आप सभी को आज की वीडियो में मैं बताया हूँ, ठीक है। यानी कि टोटल छत्तीसगढ़ में नदी अपतंत्र को 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है, 5 भागों में। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है, और जो लोग ऐसे ही क्लासेस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। कल हम देखेंगे जलप्रपात से, यानी कि उसके बाद हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की मिट्टिया क्लास प्रारंभ करेंगे। पहले हम कल देखेंगे जलप्रपात, जो कि आपके एग्जाम में जलप्रपात से एक एक क्वेश्चन बिल्कुल आता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।